नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के राहतगढ़ पहुंचकर कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास किया। आपको बता दें, इस अवसर पर करीब 3.5 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर के राहतगढ़ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने राहतगढ़ वासियों को करीब 3.5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और पुल के निर्माण हनुमान मंदिर भूमि पूजन का पूर्ण किया। इस दौरान करीब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 33 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें लगभग 6-7 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन, वार्ड क्रमांक 3 में गुल्लू राय से पटेल धर्मशाला तक RCC नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 1 में भगवान रविदास मंदिर से CC रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 1 में हरिजन बस्ती से सामुदायिक भवन तक RCC रोड निर्माण, वहीं वार्ड क्रमांक 2 में हसीना मिस्टर से दुर्गेश तक RCC नाली निर्माण और वार्ड क्रमांक 4 में दूल्हा देव से करबला घाट तक CC रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 6 में छोटे पुल के पास नवीन पुल निर्माण का भूमि पूजन भी किया। इसके अतिरिक्त नगर के बाड़ों में कुछ विकास कार्यों को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणाओं के द्वारा आगे कार्य करने की बात कही। ईदगाह 3 सेट के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा करने के साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 15 में यासिन से हाफिज के मकान तक, हरजू पंडा से शिवराज के मकान तक RCC नाली निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपए की भी घोषणा की। सुंदर अहिरबार से हरजू अहिरबार की ओर, परसों से बबलू अली की ओर, कुंजीलाल से शिवराज की ओर CC रोड के लिए 3 लाख की घोषणा भी की गई। वहीं रविदास मंदिर के लिए 3.5 लाख रुपए की घोषणा प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा की गई। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कांग्रेस पार्टी के राहतगढ़ के सभी आदरणीय नेतागण, आज आप सब लोगों के यहाँ कई बार पहले भी आना हुआ है और जो जो आप लोग कहते थे वो विधायक रहते हुए बहुत सारे काम इस राहतगढ़ क्षेत्र के हर वार्ड में हमने किए थे। आज भी आपके वार्ड में खाली हाथ नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए सीमेंट रोड बनेगा, उसके लिए 6 लाख रुपया दे रहे हैं। 6 लाख रुपया के सीमेंट रोड का भूमि पूजन होगा। और दूसरा, हमने देखा कि जब भी हमारे आपके वार्डों के आपके हमारे अहिरबार समाज के लोग शादी करते थे तो आप लोगों के लिए कोई शादी भवन अलग से था कि नहीं था? अलग से था। इसलिए हमने आप लोगों के लिए इसी आपके बगल के बाढ़ में जगह देख के 10 लाख रुपया स्वीकृत कर दिए हैं। अब आपका अलग से मंगल भवन बन जाएगा। वहां करना है तो वहां कर लो, नहीं करना है तो यहाँ कर लो। तो आज सबसे बड़ी सौगात आपके यहाँ आपकी बहू बेटियों के लिए मंगल भवन के रूप में हम आपको देकर जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन करेंगे और जल्दी से जल्दी वो भवन बनकर तैयार हो जाएगा ताकि हमारी बच्ची बेटियों की शादी उसमें होगी। और जब बन जाए तो हमें बुलाना। आप लोगों को बनने के बाद में अच्छी बढ़िया पार्टी भी हम देंगे। सबको पूरी साहब की बनेगी और अपन उसका अच्छा उद्घाटन करेंगे। तो पंडित जी, बाबा जी ठीक है? बाबा जी भी कभी जुगाड़ में बैठेंगे और तो मंदिर है तुम्हारा, कौन देवी को है? अब कर्मा माता को मंदिर में बैठे बाबा जी, तो कभी करने है का? चलो आप मंदिर के लाने 1.5 लाख रुपया हमारे तरफ सुनके आप प्रसन्न हो पंडित जी। बोलो कर्मा माता की, संत रविदास महाराज की, बाबा साहब की, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चुकी और आप लोगों की, जब भी हम वहां से आ रहे थे तो जो महिलाएं बुढ़ी बना रही थी सब कह रही थी हमारा मकान देख लो। तो आपके राहतगढ़ में पिछले 15 सालों से
जब हम विधायक थे तो हमने काम कराए, जब हम विधायक नहीं रहे तो बहुत गड़बड़ी हुई है। गरीबों की कुटी बड़े आदमियों को मिल गई और जो उनको मिली है वह बिना नोट लाए नहीं मिली, सबने नोट भी दाए दाए के नहीं दाए। अब ना अब नोट नहीं चलेगा, अब काम होगा। इसलिए हमने कहा है एक महीने के अंदर जो भी गरीब लोग हैं, जिनके गरीबी रेखा में नाम है, उनके लिए कुटी स्वीकृत होगी। जितना ज्यादा से ज्यादा बन सकेगा आप लोगों के लिए हम कुटी दिलवाएंगे, मगर एक शर्त पे दिलवाएंगे। वो शर्त क्या है? पैसा नहीं देना, फ्री में दिलवाएंगे। अगर तुम लोगों ने कोई कोई नोट दे तो नहीं दिलवाए, ठीक है ना? तो सारे लोगों के लिए, और देखो जितना बन सकेगा उतना बनवाएंगे, रह जाएगा फिर बनवाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर गरीब का घर बनेगा ये हमारी जवाबदारी है। यासीन से हफीज के मकान तक के लिए, हरजू पन्ना से शिवराज के मकान की ओर, आरसीसी नाली निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं और सुंदर अहरवार से हरजू अहरवार की ओर, भरोसी अहरवार से बबलू अली की ओर और कुंजी लाल से शिवराज की तरफ सीसी रोड के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। 6 लाख रुपया में आपके 6.5 लाख रुपया में आपके सीमेंट रोड बनेंगे। आप ज्यादा नहीं मांगना, अब जो मंदिर बना है संत रविदास जी का, ये बहुत कुछ तो बन गया है और जो इसमें काम होना है तो कितने में 1.5 लाख में हो जाए। अच्छा चलो चलो, हमारी तरफ से 3.5 लाख रुपया इस मंदिर के लिए। अब जब ये सुंदर बन जाए, जब बन जाए सुंदर तो हमें बुलाना, फिर भगवान की यहाँ हम पूजा करेंगे और सबका भंडारा हमारी तरफ से रहेगा। आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, उसी में हमारी प्रसन्नता है। अभी जो बन रहा है वो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन जो 300 रुपया थी बेटा, उसको हमने 600 रुपया कर दिया है। अब सबको 600 रुपया पेंशन मिलेगी। आपकी बच्चियों की शादी के लिए समूह विवाह में सम्मेलन में आप लोग करेंगे, सबके लिए हम 51,000 रुपया शादी के लिए दिलवाएंगे। एक समस्या पूरे राजगढ़ में आई कि गरीबों की कुटी नहीं बनी, गरीबों के पक्के मकान बड़े लोग खा गए, ऐसा लोगों ने बताया। और कुटी में पैसे के लेन देन की बात भी आई, तो आप सुन लीजिए, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा। और रिश्वत में पैसा भी नहीं लगेगा। आपके काम ईमानदारी से होंगे, ये हमारा आपको वचन है। हमने बोल दिया है एक माह के अंदर जितना संभव हो सकेगा उतने ही पक्के मकान आप लोगों के बनवाएंगे, जो रह जाएंगे जैने के सबके एक बार में हो जाए। समय लगता है तो धीरे धीरे दूसरी बार और तीसरी बार में सारे लोगों के जिनके मकान नहीं है उनके पक्के मकानों की व्यवस्था हम करवाएंगे, ये हमारा आपको वादा है। आप सब लोग हमारे
घर परिवार के हो, चुनाव आता है आप लोग हमको साथ देते हो। अब चुनाव का काम खत्म, आपने वोट दे दी, अब आपके लिए 5 साल काम करने का हमारा धर्म है और वो धर्म हम निभा रहे हैं। अभी 1 साल हुआ है सरकार को, समय है, 4 साल बाकी है, अभी बहुत लंबा क्षेत्र है, बहुत जगह घूम के हम घूमते हैं, पर फिर भी हमारी कोशिश है कि राजगढ़ के जितने वार्ड हैं, पंद्रह वार्डों में हर वार्ड में एक एक बार जाएंगे, जाते तो हमेशा है, लेकिन आपके काम देखेंगे, जो बन सकेगा आपको पैसा देंगे ताकि आपके काम स्वीकृत हो और आपके वार्डों का सुंदर सुंदर विकास हो। हर प्रकार से जो बन रहा है हम करेंगे, ये हमारा आपको वचन है। क्योंकि हमें अभी भोपाल जाना है, हम दिन भर हमारे लिए हो गया है, फिर कभी हम आएंगे। रविदास जी मंदिर का निर्माण जल्दी होना चाहिए, पैसा हम भिजवा देंगे, इसके बाद बैठेंगे आराम से बात करेंगे। सबको जयराम जी की राम राम। शहर के अंदर करीब 3 करोड़ रुपया के विकास कार्यों के भूमि पूजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे सीमेंट रोड हैं, मंगल भवन है और 1-2 करोड़ रुपए का पुल है, एक बहुत बड़ा लगेरा धाम का रोड है 70 लाख रुपए का। तो बहुत सारी समस्याएं राहतगढ़ में थी। जब मैं पिछले बार विधायक था तो जो काम हमने किए थे उसके बाद विकास गति रुक गई। अब मैं पुनः इस राहतगढ़ के लिए विकास जोड़ना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप कुटी जो इंदिरा आवास मिलती है वो भी नहीं मिली है, इंदिरा आवास भी हमने कहा आपको मिलेगी, कोई व्यक्ति रह नहीं जाएगा, और जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंत नहीं, और जो भी संभव होगा वो इस राहतगढ़ के लिए हम पूरी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा पुल निर्माण के बाद चीरखेड़ा तरफ जाने वाले मार्ग में समस्या आ रही है, चीरखेड़ा वाला पुल भी बहुत देर से मांग चल रही है, उसका भी हमने प्रस्ताव बनवाया है और हमारी कोशिश होगी कि इस साल नहीं तो अगले साल जितने संभव हो उसके लिए जो पैसा हो वो हम लाएंगे ताकि वो समस्या का समाधान हो सके। आज कुछ एक पार्टी में घमासान चल रहा है, महाराजा बोल रहे हैं रोड पोतरेंगे, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उतर जाओ, क्या चल रहा है पार्टी? पार्टी में कोई घमासान नहीं है, वो जो वचन पत्र में हमने कहा था वो वचन पत्र में बहुत जल्दी लोग उतावले हो रहे हैं। अभी सरकार को 5 साल है, वो कह रहा है कि 1 साल के अंदर हमारी मांगें पूरी कर दीजिए, हमको शिक्षा घर भी कह रहा है पक्का कर दीजिए। तो अभी 5 साल हैं और 5 साल में अगर सरकार पूरा नहीं कर पाएगी तो हमने तगड़ा खड़े हैं, लेकिन हमने वचन पत्र तो हमने बनाया है, हमारी पार्टी ने बनाया है, कमलनाथ जी सिंधिया जी ने बनाया है, सब लोग मिलकर वचन पत्र को पूरा करेंगे। और अभी इंतजार करिए, जो बन सक रहा है वो ये सरकार अच्छे अच्छा करने का प्रयास कर रही है। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।